असलम प्रोग्रामर चीमा है इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने इन्फिनट स्क्रोलिंग बैकग्राउंड को इम्प्लीमेंट किया था और उसके साथ साथ हमने प्लेयर की राइट लेफ्ट मूवमेंट को इम्प्लीमेंट किया था और इस वीडियो में हम अपनी प्लेयर स्पेसशिप को बुलेट शूटिंग मैकेनिक देंगे कि वो शूट कर सके एलियंस को और बचा सके अपने प्लैनेट को या जो भी है और ये के जो बुलेट्स होंगी उनको हमें सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना होगा बुलेट क्लास को उसके बाद फिर उन बुलेट्स को हम प्लेयर के साथ एसोसिएट करेंगे तो अब हम इस प्रोजेक्ट को वीएस कोड में खोलते हैं तो सबसे पहले हम बुलेट डॉट एच में जाएंगे और बुलेट के कंस्ट्रक्टर एग्जैक्ट वही चीजें होंगी जो बैकग्राउंड या प्लेयर के कंस्ट्रक्टर में है, तो हम उनमें से कोई भी एक खोल लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं पेस्ट और इसको पब्लिक भी सेट करना है और साथ साथ ये बैकग्राउंड नहीं है बुलेट है बुलेट की स्पीड होती है ऑब्वियसली तो हम एक प्राइवेट में वेरिएबल बनाते हैं फ्लोर स्पीड होगी हो ये तो, हम... तो हो नीड हमने ये भी देखना है कि बुलेट कब हिट की होगी और जब बुलेट ने हिट किया तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ बुलेट ने हिट किया तो उसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए बुल इज हिट क्या बुलेट हिट कर गई है और ये क्या रिटर्न करेगा ये एक बुलियन रिटर्न करेगा जो की मैं लिख देता हूँ बुल हिट ये जो बुलियन हिट है इसके अंदर हम इस बात को सेव करेंगे कि बुलेट हिट हो चुकी है नहीं अगर हिट हो चुकी है तो इसका मतलब ये बुलेट इस्तेमाल में नहीं है वरना अगर नहीं हिट हुई हुई तो इसका मतलब ये बुलेट इस्तेमाल में है तो इस तरह से हम फिर बुलेट को स्पॉन भी कर सकते हैं रीसेट भी कर सकते है जी हाँ रीसेट तो रिसेट री के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए रीसेट और रीसेट कहाँ रीसेट करना है तो उसके लिए हमें आउटलिप रेक्टेंगल चाहिए आउटक्लिप ही रीसेट करेंगे इनक्लिप तो जो है वही होगा अभी शायद प्रॉपर एग्जैक्ट ना समझ आ रही है रीसेट क्यों है है बट फाइन क्योंकि मेरे जहन में एक पैटर्न और मैं उस पैटर्न के मुताबिक ये बना रहा रू और जब ये बन जाएगा पूरा तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये फंक्शन यहाँ क्या कर रहे हैं और हर इंसान के जहन में कोई पैटर्न होता है ना उसके मुताबिक वो चीजों को बनाता है तो है एनीस अब मैं इसको कॉपी करता हूँ देर योग सारे फंक्शन को खोल दिया और बुलेट डबल कॉर्नर लगा लिया अब बारी है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की कंस्ट्रक्टर एग्जैक्ट वही चीज़ है। है है। मेरे हाल से अब बहुत है कि क्या करना को तो इस hit में हमने सिर्फ रिटर्न करना है को। और ये जो reset है, इसके अंदर हमने जो बुलेट का आउटलिप है उसको सेट करना है बाहर से आने वाले out clip पे। आउटलिप इक्वल्स टू आउट जब है जब हमने रीसेट किया तो इसका मतलब ये है कि हिट पीस का रीसेट हो जाए तो हिट इज इक्वल टू फॉल्स आउटक्लिप रीसेट करने का मतलब ये है कि बुलेट फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बुलेट जब हम इस्तेमाल कर सकते हैं फिर से यानी कि हिट फॉल्स और अब अपडेट को हम करते हैं अपडेट भी बहुत सिंपल है कि हमने बस इसका आउटक्लिप डॉट वाई में माइनस इक्वल टू गेट फ्रेम टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड अब इसी के अंदर ना हम हिट को भी चेक कर सकते हैं हमारी जो विंडो है उसकी एक टॉप की बाउंड्री है और जब ऊपर जा रहा होगा तो मैं चाहता हूँ कि बाउंड्री के टॉप बॉर्डर से जब बुलेट को करे तो हमें पता चल जाए कि वाकई कोलिशन हो गई इस तरह हम बॉटम के साथ भी कर ले तो बेहतर है तो हम दोनों के साथ कर लेते हैं इफ आउट क्लिप डॉट वाई इज स्मॉलर देन माइनस आउट क्लिप डॉट आईट उसके बाद हिट जो है वो ट्रू हो जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कि आउट क्लिप No Y is bigger than get screen. हाइट यानी कि अगर नीचे वाली बाउंड्री से बाहर आ गया या फिर ऊपर वाली बाउंड्री से भी ऊपर हो चला गया तो फिर हिट हुए इसमें गौर करें मैं कह रहा हूँ बाउंड्री से बाहर जाने के फौरन बाद हिट रू है यानी कि बाउंड्री में अंदर रहते हुए बाउंड्री को टच करके हिट रू हुआ है तो ये एक छोटी सी डिस्टिंक्शन है जो समझना बहुत जरूरी है।, है बुलेट क्लास हमारी मुकम्मल हो गई अब मैं मेन डॉट सीबी में जाता हूँ और यहाँ बुलेट को पहले इंक्लूड करता हूँ बुलेट एच और फिर हाँ बुलेट एक बनाते हैं अंदर अभी के लिए फिलहाल ये हमारी बुलेट है इसके लिए एक और टेक्सचर है वो है प्रोजेक्टाइल्स और प्रोजेक्टाइल्स के अंदर हमें ग्रीन वाला प्रोजेक्टाइल यूज करना है वो ग्रीन वाला वाला प्रोजेक्टाइल कौन सा है दैट्स अ गुड क्वेश्चन ये वाला। तो टेक्सचर जो है वो क्या रखना है प्रोजेक्टाइल्स टेक्सचर यहाँ लिखते हैं स्लैश स्लैशेक्टाइल डॉट पी एन जी एम परसेंट प्रोजेक्टाइल टेक्सचर अब इसका पहले सेट करते हैं वो होगा एट 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 और इसका आउट क्लिप अगली लाइन में सेट कर लेते हैं थोड़ा डिसेंट रखते हैं वही कॉपी कर रहा हूँ जो मैंने उसके लिए लिखा प्लेयर के लिए उसकी जो स्पीड है वो हम थ्री हंड्रेड पॉइंट जीरो कर लेते हैं फिलहाल बैकग्राउंड से पहले या बाद में इससे इतना फर्क नहीं पड़ता बट वी है और फिर हम अपडेट के बाद ड्रा करना है। प्लेयर से पहले ड्रा करते हैं

बुलेट्स और फिर कितने बुलेट्स हैं टोटल बुलेट्स भी लिख देते हैं मैक्स बुलेट्स लें तो बेहतर है अब हमें पता है कि डायनामिक तो अरे के साथ न्यू डिलीट का सिलसिला होता है यानी कि हमें एक डिस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा तो मैं लिखता हूँ किसके लिए कि ताकि हम बुलेट्स को डिलीट कर सकें और जाहिर है कि अब प्लेयर ने सारा जो है संभाल लिया काम बुलेट्स का तो इसका मतलब ये बुलेट्स को अपडेट भी प्लेयर करेगा और बुलेट्स को ड्रॉ भी प्लेयर करेगा तो यानी कि अगर हम इसके लिए प्लेयर का अपडेट या ड्रॉ यूज कर लें तो कैसा रहेगा व्हाइट अपडेट पॉइंट बुलेट बल्कि प्लेयर डॉट सीपी में जाते हैं और इनको इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले हम कर लेते हैं इम्प्लीमेंट डिस्ट्रक्टर को player, और इसके पीछे प्लेयर डबल लगाना जरूरी है और हम यहाँ कह देंगे delete, और ये करे है बुलेट्स अब कंस्ट्रक्टर की जो ब्रैकेट्स हमने इतनी छोटी रखी हुई है इनके अंदर न्यू का कीवर्ड यूज करना है और बुलेट्स बनानी है और कितनी बुलेट्स बनानी आई थिंक चार बुलेट्स बनाए तो बहुत है तो मैक्स बुलेट्स टू और फिर हम कहते हैं बुलेट्स इज इक्वल टू न्यू बुलेट फोर जैसे कि हमने पहले बोला कर्ली ब्रैकेट्स अब हमें बुलेट्स का टेक्सचर चाहिए तो बुलेट्स का टेक्सचर हमें यहाँ डालना पड़ेगा स्पीड के बाद अगर मैं कह दू रेल टेक्सचर एस्ट्रेस्क टेक्सचर फॉर बुलेट्स और फिर इसको कॉपी करके जा रहे उसमें भी डालना पड़ेगा प्ले डॉट एच में तो प्ले डॉट एच के कंस्ट्रक्टर के अंदर पेस्ट कर दिए और फिर प्ले डॉट सी में आए और अब हम बुलेट हम कह सकते हैं टेक्सचर फॉर बुलेट इसका इनक्लिप और आउटक्लिप देते हैं तो आउटलिप के लिए हम प्लेयर का ही काउटलिप यूज कर लेते हैं और अब स्पीड आ गई और स्पीड जो है वो जो भी प्लेयर की स्पीड होगी उसको तीन गुना कर देंगे और फिर कोमा लगाते हैं क्योंकि हमने यही चीज टोटल चार बार करनी है क्योंकि जाहिर है हम अरे डिफाइन कर रहे हैं एक दो तीन चार चार बुलेट्स मैक्स बुलेट्स चार अब मजे की बात है कि मैं बुलेट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और बुलेट्स फौरन चलने लग जाएंगी तो ये मैंने सोचा ही नहीं तो

हुई भी है, तो फिर अपडेट करना चाहते। तो मैं लगा दूंगा पीछे, तो हो गया अगर बुलेट हिट नहीं हुई भी तो फिर इसको अपडेट करो यानी कि इसको ऊपर लेके जाओ क्योंकि जब बुलेट का अपडेट होता है तो बुलेट चलने लग जाती है तो हम कहते हैं बुलेट आई डॉट अपडेट सेम फॉर ड्रॉ इज वेल ड्रॉ सिर्फ तब करना है जब बुलेट हिट नहीं हुई भी हो। आई होप कि इससे अब आपको क्लियर हो जाएगा कि इस हिट का काम क्या है इस हिट के दो काम है एक तो एक है हमने ये डिटेक्ट करना है कि बुलेट ने कब हिट किया किसी एलियन को या किसी बाउंड्री को और दूसरा एक है बुलेट कब अपडेट होगी और कब ड्रॉ होगी बुलेट्स अपडेट और ड्रा तो होगी लेकिन अब हमने ये भी तो देखना है कि बुलेट को कंट्रोल करना है बुलेट्स शूट करानी है प्लेयर्स से तो हम स्पेस के बटन से प्लेयर जो है शूट करेगा बुलेट तो मैं कहता तो इफ इज की अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने pressed बोला pressed जो है वो सिर्फ एक दफा जब हम बटन दबाएंगे ना तो वो उसी फ्रेम का काउंट करेगा कि हाँ ये एक दफा स्पेस दब गया लेकिन डाउन जो होता है ना इसकी डाउन वो ये होता है कि मुसलसल चेक करता है कि हाँ ये दबी भी है की दबी भी है कि दबी भी है कि तो स्पेस के चक्कर में जाहिर है हम ये नहीं चाहते कि मुसलसल बुलेट्स शूट हो रही है और अब मैं कहता हूँ फिर से फॉर लूप होगा पूरा ही कॉपी करते हैं इसको फॉर्मेट करते हैं अगर हिट है तो फिर हम इसको रीसेट करके फिर से इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल है हम कहेंगे बुलेट्स ये वापस प्लेयर की पोजीशन पर आ जाए। और फिर हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि हम एक ही बुलेट से शूट करना चाह रहे हैं अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो ये चारों बुलेट्स शूट कर देगा अगर चारों का इस हिट ट्रू है तो दैट इज अन्सेप्ट और अब मैं अगर ड्रॉ में जाऊँ प्लेयर ड्रॉ में तो यहाँ एक मसला है और ये मसला ये है कि हम यहाँ से बुलेट्स को करें प्लेयर को तो ड्रॉ कर ही नहीं रहे ना क्योंकि अभी कर रहे हैं एंटिटी के ड्रॉ फंक्शन को अगर आपको याद हो तो बुलेट्स को ड्रॉ पहले करना है और टेक्सचर प्लेयर का जो है उसको बाद में करना है ताकि बुलेट जो है वो प्लेयर के नीचे हो तो यहाँ करते हैं टेक्सचर ड्रॉ इन क्लिप आउट क्लिप और ये जो है ये प्लेयर की स्पेसशिप को ड्रॉ करेगा अब इनको खत्म कर देते हैं जो फंक्शन ऐसी हमने बुलेट्स की कमेंट कर दी और फिर प्लेयर का कंस्ट्रक्टर इसके अंदर हमें टेक्सचर डालना है एंड पर और वो है प्रोजेक्टाइल uh, टेक्सचर जिसको हमने इस्तेमाल करके बुलेट्स के प्लेयर का इवेंट तो हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड से पहले हम कर लेते हैं प्लेयर का अपडेट यार आई मीन पैटर्न सेट रखते हैं ना यहाँ पहले बैकग्राउंड ड्रॉ हुआ है तो हुआ तो क्यूँ ना हम पहले बैकग्राउंड अपडेट करो और फिर प्लेयर को अपडेट करें तो ये मेरी स्पेसशिप मैं स्पेस कॉर्न बताता हूँ और लेकिन शूट कुछ ना कुछ हो रहा है हाँ मैंने पहले आउट क्लिप कह दिया फिर इन क्लिप कह दिया Anyways, अब हम इसको कर डाल देते हैं ये बाइद मैं मिडिल माउस बटन से ये जादू करूँ मिडल माउस बटन से मल्टीपल कर्सेज बन जाते हैं और फिर एक साथ हम मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं राइट ये जहाज करता हूँ और ये इट शूट शूटिंग लेकिन मैं शूट करता हूँ उसके बाद मैं मजीद शूट नहीं कर पाता ये क्या मजाक है क्योंकि चार बुलेट्स है ना आप एक वक्त में सिर्फ चार बुलेट्स ही शूट कर सकते हैं उसके बाद नहीं कर सकते ये लिमिटेशन मैंने खुद डाली है और ये कि हम ये नहीं चाहते कि बुलेट जो है बार बार शूट करता रहे प्लेयर कोई गैप हो बुलेट्स के शूट करने के दौरान अभी जो शूटिंग का तरीका है वो ये है कि प्लेयर जितना तेजी के साथ स्पेस को दुबा सकता है मतलब बार बार टैप कर सकता है तो उतनी तेजी के साथ प्लेयर जो है वो बुलेट शूट कर सकता है और ऐसा नहीं होना चाहिए एक डिले होना चाहिए शूटिंग का और वो डिले खत्म हो जाए उसके बाद फिर जो है शूट दोबारा प्लेयर कर सकते हैं और शूट करने के बाद फिर डिले आ जाए तो इस तरह से एक पैटर्न हम अभी डिवेलप करने लगे तो अगर मैं प्लेय डॉट एच में जाऊँ और यहाँ मैं दो टाइमर और फ्लोट डिले। एक गोली और फर्क होगा कि कितना डिले आएगा ठीक है और अब मैं यहाँ जो है फ्लोट डिले भी लगा देता हूँ अब डिले हम यहाँ सेट कर सकते हैं और अब प्ले डॉट सीबी में कंस्ट्रक्टर में हम डिले सेट करते हैं और फिर जाहिर स्पीड के बाद शूटिंग डिले डिले और शूटिंग टाइमर जो है उसके भी हम सेट कर देते हैं शूटिंग टाइमर ज़ीरो और हम ये मैक्स बुलेट के साथ भी कर सकते थे कि मैक्स बुलेट यहाँ फोर हो जाता एनी वेज अब मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ कहता हूँ शूटिंग डिले जब स्मॉलर देन शूटिंग डिले नहीं मिस्टेक होगी टाइमर स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो तो पॉइंट जीरो एफ और इसकी प्रेस तो फिर हम शूट कर सकते हैं शूट करने के बाद जो हमारा टाइमर है वो फिर से डिले के बराबर हो जाएगा और इससे हमारे एक हर जो हमारी शूटिंग होगी प्लेयर उसके दरमियान एक टाइम का फैक्टर आ जाएगा और फिर बीच में हम लगाएंगे एल्स जब ये ट्रू नहीं है तो फिर हम शूटिंग टाइमर का माइनस कर सकते हैं Get frame time, get delta time. और, और तो चौथाई का, का गुजर जाएगा तो फिर प्लेयर अगली बुलेट को शूट कर सकेगा और इससे जो हमारी चार बुलेट की जो लिमिट है वो प्रॉपर उस तरह चलेगी जिस तरह चलनी चाहिए तो अब चाहे कुछ भी हो जाए प्लेयर चार से ज्यादा बुलेट शूट कर ही नहीं सकता बल्कि प्लेयर तीन से ज्यादा बुलेट्स नहीं शूट कर सकता है चौथी बुलेट एक तरह से एक एडिशनल बुलेट है इन केस अगर वो गलती से शूट कर भी गया किस तरह तो मैं स्पेस हूँ डेढ़ सारा टाइम आप देख सकते हैं कि ये चार से ज़्यादा नहीं हो रही बल्कि तीन से ज़्यादा नहीं हो रही है एक वक्त में और अगर आप थोड़ा सा सोचें

इन्हीं चीजों का तो मजा है यही तो चैलेंज है गेम डेवलपमेंट का और गेम प्रोग्रामिंग का एक्चुअली तो डेट्स इट। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज